आपके शरीर पर हमेशा तिल होते हैं और तिल होने की विशेषता ये होती है कि आपको उनका ज्ञान नहीं होता। आज मैं बताने जा रही हूँ कि आपके किस अंग पर तिल होने से आपको हानि होगी आपके पैसों में, या फिर आपके पास पैसा होता तो है लेकिन टिकता नहीं है, जानिए इस वीडियो के दौरान। नंबर एक, यदि आपके बाएं गाल पर तिल है तो ऐसे व्यक्तियों के पास हमेशा धन रहता तो है लेकिन हमेशा अव्यय होता रहता है, यानी कि खर्च होता रहता है, जिसकी वजह से इनके पास धन कभी भी बचत में नहीं पाया जाता है। नंबर दो, यदि किसी भी स्त्री के या फिर पुरुष के होंठ के नीचे तिल होता है तो वह भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्तियों के पास हमेशा धन की कमी रहती है जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इसके अपोजिट देख लिया जाए, यदि किसी के ऊपर वाले होंठ पर तिल होता है तो वह शुभ माना जाता है। नंबर तीन, यदि किसी पुरुष के हाथ पर बाई हथेली पर तिल होता है या फिर बाई हथेली के ऊपर तिल होता है, ऐसे व्यक्तियों के पास भी धन कभी भी नहीं रुकता। हमेशा देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और कमाते भी हैं लेकिन फिर भी इनके पास अनावश्यक खर्चे होते रहते हैं, कभी संचय ही नहीं हो पाता है। यदि किसी स्त्री के बाएं पैर पर तिल होता है तो वह भी बहुत ज्यादा खर्चीली मानी जाती है, यानी कि वह अनावश्यकता काम पर ही खर्च करती है या फिर शॉपिंग करने की शौकीन होती है, जिसकी वजह से वह हमेशा धन खर्चा होता रहता है जिससे वह संचय नहीं कर पाते हैं। यह है तिल की विशेषता, जिसके जहाँ पर शरीर के अंगों पर तिल होते हैं तो वह व्यक्ति ज्यादा खर्चीला भी होता है, साथ ही साथ उन्हें दुर्भाग्य का सामना भी करना पड़ता है और आर्थिक स्थिति इसकी वजह से इनकी कमजोर हो जाती है। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।